सर्जनी और धरती पे इस बीजापुर से और आसपास के जिले से आए हुए सबसे पहले बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में आए हुए मैं किसानों को सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हैं परम पूज्य जय मृत्युंजय स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी आदर्श राधा सिद्धेश्वर स्वामी जी, परम पूज्य वासवराज लिंगा स्वामी जी और इनके साथ इस मंच पे बहुत से मठ और सनातन से जुड़े हुए हमारे पूज्य संत बैठे हुए हैं। इन सभी परम पूज्य स्वामी जी और संतों को भी मैं प्रणाम करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में जैसा मुझे बताया गया, शुरू से हमारे बासन गोंडा पाटिल जी जो अज्ञान जी हैं, उन्होंने इसको लीड किया और लगातार इतनी बड़ी संख्या में आपके साथ हमारे केंद्र सरकार की मंत्री श्रीमती शोभा क्रांदे जी भी बैठी रही, तो स्वाभाविक है कि मेरी कितनी भी व्यस्तता थी, मुझे कल गुवाहाटी आसाम की राजधानी में 10 बजे पहुंचना था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि किसी न किसी परिस्थितियों में जहां पे हजारों किसान अपनी बात जेपीसी के सामने कहना चाहते हो, तो अगर पूरी जेपीसी नहीं जा सकती है तो जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जाकर के उन किसानों की बात को सुने, ऐसा मैंने तय किया। जो तेजस्वी सूर्या जी ने इस पूरे कर्नाटक में वर्ष का एजिटेशन कि उनकी जमीनों पे वक्फ का क्लेम या जिस तरीके से इसको लेकर के लोगों में अनरेस्ट है, असंतोष है, इन्होंने हमारा जेपीसी के मेंबर होने के नाते, और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है वो तो किस लिए बनी है? एक वक्त पे अमेंडमेंट बिल आ रहा था 2024 का, जिसको संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने भारत की पार्लियामेंट में 8 तारीख को प्रस्तुत किया लोकसभा के सत्र में। उन्होंने स्वयं कहा कि ये कानून हम पास कर सकते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन इस कानून को पास करने के लिए हम चाहते हैं कि ये कानून सीधे सदन से पास हो। उसके पहले उन्होंने स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी से दरखास्त किया, विनती किया, रिक्वेस्ट किया कि आप एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें और उसमें सभी पार्टी के दल के मेंबर हो जाएं और वो पूरी कमेटी पूरे भारत का दौरा कर ले, तमाम स्टेक होल्डर हितधारकों से बातचीत कर ले, जिससे कि अब जो एक वक्त अमेंडमेंट बिल या वक्त पे कानून आए वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट कानून आए, एक ऐसा मुकम्मल कंप्रेहेंसिव कानून आए कि आज जो देश में या कर्नाटक में जगह जगह लोगों में का सुरक्षा है कि हमारी वर्षों से 50 वर्ष से 100 वर्ष से मेरी जमीन, इसको वक्त की जमीन कह दिया, तो इन सारी चीजों की समाप्ति हो जाए, इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन के बाद हम लोग बेंगलुरु आ चुके हैं, वहां पे हम काफी डेलीगेशन से मिले, वक्फ बोर्ड से मिले, माइनॉरिटी कमीशन से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से मिले और तमाम डेलीगेशन से मिले, लेकिन शायद जैसा अभी हमारे और लोगों ने भी कहा जो यहां मौजूद हैं कि हमें, और हमारे कुछ वक्ताओं ने भी कहा कि हमें अब नॉर्थ में भी जाना है दौरे पे कल से गुवाहाटी, लेकिन हमारे यहां सहयोगी यहां के सांसद रमेश सिंह जी हैं,
हमारे एमएलए बैठे हुए श्री हरीश पाटिल जी, श्री सिद्धू सरबोधी जी, महेश जी जो अभी हमारे साथ, यकीन करिए जैसे बीजापुर में है उसी तरीके से उपली में भी, जिस तरीके से बड़ी संख्या में हमसे तेजस्वी सूर्या जी ने कहा था 15 डेलीगेशन मिलेंगे, 70 से ऊपर डेलीगेशन आए और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, आने में भी देर हुआ, हम उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन जब शोभा बहन ने कहा कि आपको आना है तो मैंने कहा कि मैं तो दिल्ली से, तेजस्वी सूर्या जी, महेश जी और प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि वहां पे किसान एजुकेटेड है, सारे लोग परेशान हैं, तो आप चले जाइए। और मैं आया तो जब बहन ने कहा मैं यहां हूं, यहां भी दिक्कत है बीजापुर में भी, और जैसा इन्होंने कहा कि मैं धरने पे हूं, तो हमने कहा आपको क्या जरूरत है। तो इन्होंने जैसे खुद कहा कि जब किसान जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है तो मुझे भी रुकना था, मुझे भी धरने में बैठना था। कल मुझे हर हाल में गुवाहाटी पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। फिर ये हुआ कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में चॉपर नहीं मिला, हेलीकॉप्टर नहीं मिला, तब भी मैंने तेजस्वी जी से कहा कि हम उपली से चलेंगे, बीजापुर चलेंगे। मैंने पूछा बीजापुर से बेंगलोर कितना है, इन्होंने कहा 7 घंटे का रास्ता है। तो मैंने कहा 7 घंटे फिर हम बाई रोड चल के रात को 1 बजे बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाएंगे, लेकिन बीजापुर जरूर जाएंगे हम किसानों से मिलने के। तब हमारे एक स्वामी जी कहते बुजुर्ग हो गए, 7 घंटे में चलने के लिए तैयार था, और मैंने तय कर लिया था, ऐसे बहन से कह रहा था, लेकिन जब यहां बैठ गई थी, हमारे तमाम एमएलए, हमारे एमपी सब लोग बैठे थे, और ये किसानों के लिए, क्योंकि सारे सूच को, सारे समस्याओं को लगातार इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि मुझे जरूर जाना है। अब यहां पे आने के बाद हमारे कुछ साथी सरकार में बैठे हुए लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जगदम्बिका पाल जी, पूरी कमेटी नहीं आई, अकेले जगदम्बिका पाल जी यहां चले आए। मंत्रीगण कहते रहे कि जगदम्बिका पाल जी जो आए हैं, इस कमेटी की सेंटिटी क्या है, लीगल इलीगल। अरे ये वो कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिस दिन बनी कमेटी तो हमने पूरे चैनल में, पूरे अखबारों में दिया कि इस वक्त के अमेंडमेंट बिल पे जिसको भी अपनी राय देनी हो वो राय हमारी पार्लियामेंट के उस पोर्टल पे भेज सकते हैं। और यकीन करिए पहली बार कोई जेपीसी, जो श्री किरण रिजिजू जी ने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहल किया और ये जेपीसी बनी, इसमें 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने अपनी राय दिया है। आप ये जानिए कि ये कितनी जेपीसी, यहाँ कितने लोगों से बात करने के लिए तैयार। लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम बीजापुर क्यों चले आए, सवाल तो ये उठना चाहिए कि आखिर इस जेपीसी पे हम रायशुमारी हिंदुस्तान की कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा एक ट्रांसपेरेंट कानून बनाना चाहते हैं, हम जिस पर्पज से कोई वक्फ करता है, आज तमाम वक्फ की जमीन को कौन बेचने का काम कर रहा है, आज कई मुतवल्ली कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वही कर रहे हैं, तो भविष्य में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को लोग खुर्द बुर्द न कर सके, बेच न कर सके, इसलिए यह कानून बनाने के लिए संशोधन करने का काम किया जा रहा है। तो जब हम एक अच्छा कानून लाने जा रहे हैं तो अब उसमें स्वाभाविक है कि जब हमने जेपीसी के लिए लोगों से राय मांगी, तो आपने सुना होगा एक जाकिर नायक है जो भगोड़ा, जो मलेशिया में बैठा हुआ है, उसने वहां से अपील किया कि अगर लोग
उस पोर्टल पे डालेंगे कि हमको इस अमेंडमेंट का कानून नहीं चाहिए, तो 50 लाख लोग अगर अपनी राय भेज देंगे तो ये कानून ड्रॉप हो जाएगा। तो इससे साफ है कि अगर मलेशिया में बैठा हुआ जाकिर यहां लोगों को कह रहा है तो एक ऐसा कानून आने जा रहा है जो अब इस कानून का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। मैं आपसे ये कहना, आखिर क्या जल्दी पड़ी? अगर मैं आज आया हूं तो मुझ पे सवाल करने के बजाय कि मैं क्यों आया हूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर भारत की लोकसभा में स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने कमेटी का गठन किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, उसमें सभी पार्टी के एमपी हैं, ओवैसी साहब भी हैं, आप पार्टी के संजय सिंह भी हैं, डीएमके के राजा साहब भी हैं, यहाँ के जावेद साहब भी हैं, सैयद नसीर साहब भी हैं, बहुत से कल्याण बनर्जी साहब हैं, जस्टिस गंगोपाध्याय जी, तेजस्वी सूर्या जी, सभी पार्टी के 31 सदस्य हैं। तो जब आल पार्टी हम इस कानून को थ्रेड में डिस्कस कर रहे हैं, रोज हमारी चर्चा हो रही है, तो जब ये कानून सब पार्टी के एमपीज के राय के बाद रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद कानून बनेगा, तो इस कर्नाटका में क्या जल्दी पड़ी है और ऐसा कौन हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है और ये किसकी जिम्मेदारी है कि जब ये कमेटी बनी करीब 2 महीने पहले, इस दो महीने में कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है कि 38% नोटिस वक्फ का और बढ़ गया है किसानों की जमीन पे और तमाम लोगों के जमीन पे। तो इतनी बड़ी संख्या, जैसा अभी हमारे तमाम शोभा जी ने कहा, तेजस्वी जी ने कहा, और पूरे प्रदेश में एक एजिटेशन शुरू हो गया। आखिर इतनी क्या जल्दी, जब एक ट्रांसपेरेंट कानून आ रहा है तो किसी को जिले जिले में जाके अदालत लगाने का काम, और जिसको ये वक्त की प्रॉपर्टी, हम बहुत विस्तार नहीं जाना चाहते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट, बहुत टाइम लगेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक किसान जो मल्लिका अर्जुन है, इंडी तालुक के हैं, विजयपुरा के, उन्होंने कहा दे हैंडेड मी थिक डॉक्यूमेंट शोइंग द वक्फ है।